बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश से देश भर के 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है, यहां आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल खोलकर जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि सीएम धामी के ऊर्जावान नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड सरकार हर क्षेत्र में विकास के काम कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया और एम्स से ही वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। भारत माता की जय के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है, योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है, इसे माँ गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। आज से ही नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं और आज के दिन मेरा यहाँ आकर हिमालय की धरती को प्रणाम करना धन्य भाग्य है। इस दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में उत्तराखंड के योगदान की सराहना भी की। ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है, योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जो उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ आकर एक नई ऊर्जा मिलती है, जहाँ योग और आयुर्वेद की शक्ति से जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान हुआ है। आज वहीं से देश भर के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की देवधरा ने मेरे जैसे अनेक लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उत्तराखंड की भूमि मेरे कर्म और मर्म की भूमि है। आज के दिन उत्तराखंड आना मेरा सौभाग्य है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का ये लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इसके लिए बीते 7 सालों में 170 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। दर्जनों मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हरिद्वार में नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई है। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इसके लिए बीते 7 वर्षों में देश में 170 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। यहां मेरे उत्तराखंड में भी रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। अटल जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी मानते थे कि कनेक्टिविटी का सीधा कनेक्शन विकास से है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की तारीफ की और संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की भव्यता को धामी सरकार बढ़ा रही है। उत्तराखंड में सड़क, एयर और रेल कनेक्टिविटी का यहां के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड में हेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखंड के निर्माण का सपना अटल जी ने पूरा किया था। अटल जी मानते थे कनेक्टिविटी का सीधा कनेक्शन विकास से है। उन्हीं की प्रेरणा से आज देश में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है। मुझे संतोष है कि उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदार धाम की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। वहां श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही है। मैं भी कई बार ड्रोन कैमरा के माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता रहता हूं। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। 4 धाम परियोजना देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा तो बना रही है। गढ़वाल और कुमाऊं के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ रही है। कुमाऊं में 4 धाम रोड के लगभग 150 किलोमीटर हिस्से से इस क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलने वाला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से भी उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को और विस्तार मिलेगा। सड़क और रेल के अलावा एयर कनेक्टिविटी को लेकर हुए कार्यों का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है। देहरादून हवाई अड्डे की क्षमता को 250 पैसेंजर से बढ़ाकर 1200 तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी के उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड में हेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी 100% पहली कोरोना डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। इसके लिए उन्होंने सरकार को बधाई भी दी। पीएम ने कहा कि इस धरती से मैं जुड़ा रहा हूं। यहां वैक्सीन पहुंचना कितना कठिन होता है हम भली भांति जानते हैं।
बावजूद इसके इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की गई है। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जहां तराई जैसी समतल भूमि है वहां शायद इन कामों में सरलता रहती है। मैं इस धरती से बहुत जुड़ा रहा हूं, यहां वैक्सीन पहुंचाना भी कितना कठिन होता है। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों को आने वाली मुश्किल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ई संजीवनी ऐप की जो सुविधा सरकार ने दी है इसका लाभ उत्तराखंड के लोगों ने भी उठाना शुरू कर दिया है। साथियों, छोटे छोटे उपचार के लिए बीमारी के दौरान रूटीन चेकअप के लिए बार बार आना जाना कितना मुश्किल होता है ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। लोगों की इस मुश्किल को दूर करने के लिए अब ई संजीवनी ऐप की सुविधा दी गई है। इससे गांव में अपने घर पर बैठे बैठे मरीज शहरों के अस्पतालों में डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं। इसका लाभ अब उत्तराखंड के लोगों ने भी उठाना शुरू किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की टीम अच्छा काम कर रही है, केंद्र की सरकार भी प्रदेश सरकार की पूरी मदद कर रही है। उत्तराखंड अगले 3 सालों में गठन के 25 वर्ष पूरा करने जा रहा है। भारत सरकार का डबल इंजन प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल भेंटकर उत्तराखंड आने पर उनका स्वागत किया और कहा कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।